चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, कानून सबसे बड़ा होता है, उसे कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए देर सवेर अगर उसमें बड़ी मछली भी गड़बड़ कर रहा है तो उस पर भी क्या बोलते हैं, उस पर जाल बिछेगा, फंसेगी मछली। नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं, और इनसे मेरा सवाल है, जिस तरह से जितेंद्र मांझी शराबबंदी को लेकर के हमेशा से वो बयान देते रहे हैं, एक बार फिर वो सुर्खी में आ गए हैं, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि शराबबंदी को खोल देना चाहिए, दवा के रूप में जो है वो काम करता है दारू जी, दवा के रूप में दारू काम करता है, जितेंद्र मांझी का कहना है। अब देखिए, मांझी जी बड़े नेता हैं, सम्मानीय हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और हम लोगों के दल में उनका दल हमारे दल के साथ सरकार में है, NDA के पार्ट हैं वो। अब उनकी अपनी सोच हो सकती है, पर ये बात सही है कि बिहार की सरकार ने सख्ती से लागू किया है, और सख्ती से लागू किया और सब लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे जब ये प्रस्ताव आया था असेंबली के अंतर्गत, तो सब लोगों ने सहमति व्यक्त की। तो जब सब लोगों ने सहमति व्यक्त करके इसको मुहर लगाया तो उसको मानना चाहिए। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है लोगों पे, क्या लगता है कि ये एक तरह से कहा जाए, विपक्ष कह रहा है कि छोटे मछली पर सिर्फ कार्रवाई हो रही है, बड़ी मछली तो है वो बच जा रहे हैं। कोई नहीं बचने वाला है, चाहे वो छोटी मछली हो, सरकार के कानून के लंबे हाथ हैं, और आपने देखा होगा कि उस पर सरकार अमल करने की कोशिश कर रही है। चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, कानून सबसे बड़ा होता है, उसे कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए देर सवेर अगर उसमें बड़ी मछली भी गड़बड़ कर रहा है तो उस पर भी क्या बोलते हैं, उस पर जाल बिछेगा, वो फंसेगी मछली, तो अंकुश लगाया जाएगा। कानून सबके लिए है, और सरकार सबके लिए कानून एक समान रख करके कार्रवाई कर रही है, कोई छोटी मछली बड़ी मछली देखकर नहीं कर रही है। बिहार में बालू और दारू को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर रही है, क्या कहेंगे? बालू और दारू को लेकर, क्या बालू दारू? बालू का जिस तरह से अवैध रूप से जो कारोबार किया जा रहा है, बालू में जो लोग कारोबारी कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर के विपक्ष बालू और दारू को मेन मुद्दा बनाकर। अभी एक्चुअली अभी तो बालू का खनन बंद हो गया था, अभी सुप्रीम कोर्ट के सहमति के बाद बिहार सरकार ने उसको विस्तार किया है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो बालू की परेशानी थी उसे लोगों को निजात मिलेगा और हरासमेंट कम होगा। अफसरशाही क्या लगता है कि बिहार में अफसरशाही हावी है? लगता है कि बिहार में अफसरशाही हावी है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगता है। और जहाँ चुनाव प्रतिनिधि की सरकार है वहाँ अफसर कैसे राज करेगा, ऐसा नहीं है मेरी समझ। मेरा व्यक्तिगत राय, जो भी मैंने राय दिया सब व्यक्तिगत। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोर नेशन के साथ। धन्यवाद।